सियासत और अदावत का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन राजनीति में दुश्मनी अक्सर अपने विरोधी से ही होती है। लेकिन बिहार की धरती का मिजाज ही कुछ ऐसा रहा है कि वह राजनीति में नए प्रयोग करने के लिए मशहूर है। पुत्र और पत्नी मोह के जलवे तो लोग देख ही चुके हैं, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर चल रही चाचा भतीजे की अदावत इस तरह सड़कों पर अपना नाच दिखाएगी, इसकी उम्मीद कम ही लोगों ने की होगी। जायदाद को लेकर आपसी झगड़े होना तो आम बात है, लेकिन राजनीति की विरासत पर दावा करने को लेकर ऐसी लड़ाई देश की आधुनिक राजनीति में शायद पहली बार देखने को मिल रही है। करीब 4.5 दशक तक राजनीति की हवा का रुख भांपने में माहिर और तकरीबन हर सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने वाले रामविलास पासवान ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके दुनिया से विदा होने के महज 1.25 साल के भीतर उनका ही भाई सियासत की विरासत संभालने वाले चिराग को दिन में तारे दिखाने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए राजनीति के खट्टे मीठे स्वाद चख चुके पुराने राजनीतिज्ञ कहा करते हैं कि सियासत का अपना कोई चरित्र नहीं होता और सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। पशुपति पारस और चिराग पासवान की इस लड़ाई ने उस अनुभव को सही साबित कर दिखाया है। घर की लड़ाई जब सड़क पर आ जाए तो कुछ तमाशबीन होते हैं, तो कुछ उस मौके का फायदा उठाने की तलाश में रहते हैं। अब इससे बीजेपी को फायदा हो या जदयू को, लेकिन बताते हैं कि चिराग पासवान बिहार में एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत बनते नजर आ रहे थे, सो चाचा के जरिए ही उनकी सियासी दौड़ पर ब्रेक लगाने के लिए ही सारा ताना बाना रचा गया। अब एलजेपी के विधिवत अध्यक्ष होने के नाते चिराग पासवान ने पार्टी के सभी बागी सांसदों को एलजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। फैसले के अनुसार पशुपति पारस, प्रिंस राज, वीना देवी, महबूब अली केसर और चंदन सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में समर्पित होने की वजह से पार्टी की सक्रिय सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद वे पार्टी में किसी भी तरह के फैसले लेने की अधिकारी नहीं होंगे। बागी होने का आरोप लगते हुए भले ही पांचों सांसदों को पार्टी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन इससे इन सबकी सांसदी पर कोई खतरा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि लोकसभा के स्पीकर पारस गुट वाली पार्टी को ही अधिकृत मानते हुए अपनी मान्यता देने में देर नहीं लगाएंगे। वैसे चिराग अभी युवा है और ना ही उन्हें इतना अनुभव है कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ियों से निपटने के लिए कब कहां किस गोटी का इस्तेमाल करना है। वो फिलहाल तो सियासी शतरंज की बाजी हार गए हैं, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता, लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि युवा शक्ति के जरिए वो बिहार की राजनीति में नई ताकत बनकर उभरेंगे। कह सकते हैं कि चिराग की रोशनी कुछ ज्यादा ही होगी। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। बहरहाल जब चुनाव समाप्त हुए उसके बाद, जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अपने परिवार के साथ रहने का, वो समय मिलने के बाद जब वापस हम लोग रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल तब तक लागू हुए, इस महामारी से बचाव के लिए कई तरीके के नियम कायदे कानून बनाए गए और उस वक्त हम लोगों ने पुनः कुछ समय के लिए अपनी तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर हम लोगों ने रोक लगाई और उसके फिर तुरंत बाद मुझे टाइफाइड हुआ और संजोग ऐसा कि इस बार हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि लगभग 40 दिन से ज़्यादा का समय मुझे लगा अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने के लिए। अभी भी रिकवरिंग में ही हूँ, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, पर वो समय ज़रूर लगा। और तब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं, अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो, और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद मैंने स्वतः अपनी तरफ से, मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था, आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे, पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था,
तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए आके। लास्ट तक मैंने कोशिश की, आपने देखा कल परसों चाचा के मैं घर भी गया, वहां पर जाकर भी मैंने कोशिश की। कल भी मैंने अंत तक दोपहर तक मम्मी खुद व्यक्तिगत तौर पर वो भी प्रयास कर रही थी चाचा से संपर्क साधने का। कल जब अंत में आते आते जब इस बात का एहसास हुआ कि शायद अब चीजें अब हाथ से निकल गई हैं और जो मेरी कोशिश परिवार और पार्टी को एकजुट रखने की थी जब वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई वर्चुअल मीडियम से। और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुशासन कायम रहे ये जिम्मेदारी भी मेरी है, कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। मैं आप सब के माध्यम से पार्टी के संविधान की जानकारी संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना, भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएं और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज्यादा से ज्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी ये रहे। बहरहाल पर जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहां पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते, ये पार्टी का संविधान कहता है। बहरहाल इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े, वहां पर हम लोग इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे। बट आज आप लोग की जानकारी में सिर्फ मैं इन बातों को देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था या अपनी बातों को, क्योंकि आज हम लोग दिन भर एक लंबे समय तक हम लोगों ने लीगल ओपिनियंस क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या क्या चीजें हैं, सुबह से लंबे समय से हम लोग की बैठकें चल रही थी, तमाम इन जानकारियों को हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग साझा कर रहे थे। और ईमानदारी की बात है, मैं चाहता नहीं था कि ये मसला इस तरीके से बढ़े। जैसा मैंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अगर परिवार की बात है और पार्टी भी मेरा परिवार है, अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठकर अगर हम लोग इसको सुलझा पाते, वो मेरा प्रयास ज़्यादा था। पर अब जब मेरे पास कोई और विकल्प बचा नहीं, तो इसीलिए आप सबके समक्ष आकर मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी था।